इज अ थिन लेंस, एक पतला सा लेंस है, ठीक है, अभी हमें लेंस नहीं बताया कौन सा, एक थिन लेंस है, हैज अ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, कैसा, नेगेटिव का, ठीक है, और यहां पर क्या लगाना है आपको, सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, ये जो थिन लेंस है इसका हमें एक तो पावर बताना है और हमें इसका नेचर बताना है कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। चलिए, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/ फोकल लेंथ, कैसा, मीटर में, ठीक है, ये जो फोकल लेंथ होगी इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये नेगेटिव साइन जो है ये हमें क्या बता रहा है, फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव कौन से लेंस की होती है, कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो इस साइड होता है, ठीक है, और इस साइड की हर एक चीज हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ कैसा हो गया, नेगेटिव, तो लेंस आपका क्या हो गया, कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो हमने इस नेगेटिव साइन को देखकर लेंस का नेचर तो बता दिया कि डाइवर्जिंग होगा। अब हम पावर बता देंगे, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 1 = 4, तो ये क्या गया, नेगेटिव का 1/4, और इसको और कटिंग कर देंगे तो ये 0.25 आ जाएगा, कैसा, नेगेटिव का। इस वैल्यू को उठाकर यहां रख दो, पावर इक्वल्स टू 1/ नेगेटिव का 0.25, ठीक है, इस पॉइंट को हटाना, ऊपर दो जीरो लगा देना, ठीक है, चलिए ये पॉइंट हट जाएगा, और 25 × 1 = 25 × 4, सो पावर आपको क्या आ गई, नेगेटिव का 4 डायोप्टर, ये डायोप्टर लगाना मत भूल जाना, ये यूनिट होती है पावर की। तो ये था आपका नेचर, ये था आपका पावर।